जांजगीर चांपा जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती तेजी को देखकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके चलते लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। तो वहीं नगर पंचायतों में किस प्रकार से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, इस बारे में हमारे संवाददाता ने नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष से बातचीत की। मैं हूं पप्पू कुमार यादव, आप देख रहे हैं IDP24 न्यूज चैनल। अभी हम उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में। यहाँ हमारे साथ उपस्थित है नवागढ़ ब्लॉक के नगर अध्यक्ष, ये बताएंगे कि जांजगीर चांपा जिले में 5 नए कोरोना एक्टिव केस आने से किस प्रकार से नवागढ़ अध्यक्ष के द्वारा सभी तरफ बुनियादी कराया गया है, व किस प्रकार से यहाँ के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इन सब बारे में आइए चर्चा करते हैं। सर बताएंगे किस प्रकार से यहाँ के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। यहाँ नगर पंचायत द्वारा मुनादी कराई गई है कि लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। उसके पश्चात अभी जांजगीर जिले में कोरोना पॉजिटिव के 5 मरीज मिले हैं, तो इससे और सतर्कता बरतनी होगी। हम लोग को लोगों से आह्वान कर रहे हैं, फील्ड में जाके बोल रहे हैं कि भाई अपने घर में रहें। इसके साथ साथ हमारे शासन प्रशासन भी लगे हुए हैं, तहसीलदार साहब मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे थाना प्रभारी सीमो सर भी मॉनिटरिंग करते हैं, लोगों को समझाइश देते हैं कि अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। इसके साथ ही हमारे नगर पंचायत के द्वारा हैंड सैनिटाइजर और बाकी कीटनाशक छिड़काव भी कराया गया है, जिससे लोगों को दिक्कत मत हो या संक्रमण के प्रभाव ना पड़े। सर बताएं कि जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि एक दो लोग इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं बेफिजूल का, इन लोगों को आप किस प्रकार से समझाइश देंगे, वह क्या निवेदन करेंगे? उनसे निवेदन करते हैं कि भाई आपको अगर जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और नगर पंचायत में भी अभियान चलाया गया था कि जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उनको यानी कि पेनाल्टी लगे करके एक बार समझा दिए हैं। और यहाँ प्रवासी मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ 2-3 जगह व्यवस्था है, एक गर्ल हॉस्टल और बॉय हॉस्टल और नवीन कॉलेज में। इनके खाने पीने का पूरा व्यवस्था है, सुबह नाश्ता और 2 टाइम खाना का। बाकी मैं वहाँ भी जाके पूछता हूँ कि भाई अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो बताएं घर से। लगभग नवागढ़ नगर पंचायत में कितने प्रवासी मजदूर आ चुके हैं अभी तक? यहाँ तकरीबन 100 के लगभग है, 100-120 के लगभग। सर अपना परिचय दे। मैं भुवनेश्वर प्रसाद केसरवानी नगर पंचायत नवागढ़ का अध्यक्ष हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।